यामा कंपनी ने अपनी मैक्सी स्कूटर यामा एरोक्स 155 में एक नया वेरिएंट वर्जन एस लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे इसके लुको डिजाइनिंग देख सकते हैं, लुको डिजाइनिंग में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन अब आपको ये दो नए क्रॉप ऑप्शन के साथ मिलेगी और भी काफी सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो आपको दो नए कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा इस वर्जन एस में, इसमें आपको पहला रेसिंग ब्लू मिलेगा और दूसरा कलर आपको सिल्वर मिलेगी। अब दो नए कलर ऑप्शन के साथ एरोक्स 155 मिलेगी। इसके अलावा आप इसकी ग्राफिक्स देख सकते हैं, इसमें आपको कलरफुल व्हील्स भी देखने को मिल जाती है। और जो ये एस मॉडल है, इसके पहले जो मॉडल बेची जाती थी एरोक्स की, उसके मुकाबले में ये टॉप वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो नया स्मार्ट की दे दिया गया है। तो एक स्मार्ट की इसमें आपको मिल जाएगा। इस स्मार्ट की से आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बटन प्रेस करके आप अपने स्कूटर्स को पार्किंग में पता कर सकते हैं आपका स्कूटर कहाँ पे खड़ी है। एंसर बैक का फीचर मिल जाता है, जैसे आप बटन प्रेस करेंगे आपके स्कूटर का जो ब्लिंकर्स है और बजर्स है दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं आपकी स्कूटर कहाँ पे खड़ी है। इसके अलावा इसमें ई मोबिलाइजर का भी काम करेगी, जैसे कि ये स्मार्ट की आपके पास अगर नहीं होगी तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी, अगर आपके पास स्मार्ट की है स्कूटर के पास है तो ही स्कूटर स्टार्ट भी होगी, वरना स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी। तो सेफ्टी के लिए भी कंपनी ने ये फीचर इसमें दिया है। हालांकि इस तरह का जो फीचर है हुंडा एक्टिवा में काफ़ी लंबे समय से अभी बेची जा रही है, जो कि एच स्मार्ट नाम से स्मार्ट की बेची जा रही है, वही आपको अब यामा एरोक्स 155 में देखने को मिलेगी। स्मार्ट की इसमें दे दिया गया, तो बस यही नए चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी प्राइसिंग है पहले वाले जो एरोक्स है उसके मुकाबले में 3,000 रुपये तक बढ़ाकर इसको लॉन्च की गई है। यामा एरोक्स की वर्जन एस के साथ एक्सरूम दिल्ली में प्राइस 150,600 यानी कि 150,600 रुपये तक रखी गई है। बाकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो सारे पहले जैसे, वहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग 15 PS का पावर और 13.9 Nm का टॉर्क करती है। साथ ही इसमें आपको फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है। बूट स्पेस भी आपको काफी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लगभग 24.5 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। 2 लेवल की सीट मिल जाती है, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स आपको पहले की तरह देखने को मिलेंगे। तो इस नए एस वेरिएंट में ये स्मार्ट की ऐड कर दिया गया है, दो नए का ऑप्शन दे दिए गए। तो एरोक्स में ये आपको फीचर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।